वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक ऐसे जिसका नाम है द टाउन वीक और ये लिखा गया है एडवर्ड वेरल ल्यूकस के द्वारा। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 11 या 12 जून, मतलब डेट कंफर्म नहीं है, और 1868 में यूनाइटेड किंगडम में, और इनकी डेथ हुई है 26 जून 1938 यूनाइटेड किंगडम, सेम ही जगह है। इन्होंने अपना जीवन एक एसेस्ट, प्लेराइट, नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में व्यतीत किया। ये जो ऐसे है, इनकी एक बुक है फायर साइड एंड सनशाइन, उससे लिया गया है। ऐसे के स्टाइल की बात करूँ तो कन्वर्सेशन स्टाइल यूज़ किया गया है, मतलब वार्तालाप वाला। ऐसे जो है वो फुल ऑफ ह्यूमर और डेजलिंग इनसाइट से भरा हुआ है, मतलब आपको इसमें राइटर की अंतर्दृष्टि, सूझबूझ और हास्य देखने को मिलेगा। इस ऐसे में ऑथर ने वीक के डेज को डिस्क्राइब किया है, डेज की क्या क्वालिटीज होती है, कैरेक्टर्स, और ऑथर ने बड़े ही आर्टिस्टिकली या कलात्मक ढंग से अर्बन पीपल के मूड्स को, जो 7 डेज में सबका डिफरेंट रहता है, उनकी दिनचर्या को दिखाया है अपने ऐसे के थ्रू। तो अब एनालिसिस कर लेते हैं हमारे ऐसे का। इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट लाइंस इंक्लूड करी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले ऑथर ने वीक के फर्स्ट डे, मतलब मंडे को डिस्क्राइब किया है और इसे बोला है करेजियस बिगिनर, मतलब एक उत्साहवर्धी शुरुआत करने वाला। इट इज ऑड दैट मंडे इज द ओनली वर्ड विच द डेज ऑफ द वीक हैव गिवन अस, सिंस मंडे इज नॉट अलोन इन पजेसिंग ए पॉजिटिव एंड पेक्यूलियर कैरेक्टर। ऑथर बोलता है कि एक और या एक अजीब बात यह है कि मंडेज ही एक ऐसा शब्द है जो वीक के डेज ने हमें दिया है, क्योंकि मंडे ही एक ऐसा अकेला दिन है जो पजेसिंग, मतलब रखता है एक पॉजिटिव और पैक्यूलियर करेक्टर। वाई नॉट ट्यूजडेज और वेडनेसडेज, ईच वर्ड वुड कन्वे एज मच मीनिंग टू मी। अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि यही चीज़ ट्यूजडेज, मतलब ट्यूजडे, और वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे के साथ क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हर शब्द का इक्वल मीनिंग है। ट्यूजडेज इन पर्टिकुलर फॉर मंडेज कार्डिनल एंड रेप्रेहेंसिबल एरर ऑफ बिगनिंग द बिजनेस वीक सीम्स टू मी ऑलमोस्ट ए वर्च्यू कंपेयर्ड विद ट्यूजडेज अटर फ्लैटनेस। तो पॉइंट जैसे कह रहा है कि मेरे लिए हर दिन की जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वल है, और स्पेशली मैं बात करूँ ट्यूजडे की तो उसकी अटर फ्लैटनेस या संपूर्ण निरस्ता जो है वो मंडे की कार्डिनल या रेप्रेहेंसिबल, मतलब मुख्य दोष रोपण करने लायक जो चीज़ है, कि जो मंडे की जो स्टार्टिंग है ना वो बिजनेस वीक से होती है, तो उसे मंडे की क्वालिटी अच्छी न लगकर इसकी तुलना में ट्यूसडे के ही गुण अच्छे दिखाई देते हैं। टू बिगिन ए न्यू वीक इज नो फॉल्ट एट ऑल दो ट्रेडिशन हैज ब्रांडेड इट एज वन। हालांकि एक नए सप्ताह की शुरुआत कोई फॉल्ट या गलत बात नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशन या परंपरा के द्वारा ही इसे ऐसी ब्रांड या छाप दी गई है। ये बात कही जा रही है मंडे या सोमवार के लिए, क्योंकि वही तो पहला दिन होता है। विथ ऑल इट्स फॉल्ट्स मंडे हैज ए पॉजिटिव कैरेक्टर, मंडे ब्रिंग्स ए फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट। इन सभी बातों के बाद भी मंडे का पॉजिटिव कैरेक्टर है और मंडे में रिवॉल्ट या विद्रोह की भावना है। अब बात कर लेते हैं सेकंड डे, मतलब कि ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे के बारे में बोला गया है कि ये डल है और एब्सोल्युटली नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। ट्यूसडे द बेस क्रेवन रिकॉन्साइल अस टू द मशीन, आई एम नॉट सरप्राइज दैट द रिसेंट अमेरिकन रिवाइवलिस्ट हेल्ड नो मीटिंग्स ऑन मंडे। बेस का मतलब होता है बेकार और क्रेवन का मतलब होता है उत्साहीन। तो हमारी बेकार और जो उत्साहीन एक्टिविटी चल रही होती हैं उनको ट्यूसडे को रिकनसाइल, मतलब सही कर लिया जाता है, और हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं हम थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि संडे के बाद हमारे ऊपर मंडे को थोड़ा सा वर्कलोड होता है, लेकिन ट्यूसडे तक हम उस चीज की हैबिट में आ जाते हैं। ऑथर बोलता है कि मुझे इस चीज़ में कोई सरप्राइज या आश्चर्य नहीं है कि रिसेंट अमेरिकन रिवाइवलिस्ट या पुनरुत्थान करने वाले कोई भी मीटिंग मंडे को नहीं रखते। इट वॉज ए मार्क ऑफ देयर एस्ट्यूटनेस, हम कह सकते हैं ये उन लोगों का मार्क है या निशानी है उनकी चतुराई या कुशाग्रता का। एस्ट्यूटनेस मतलब चतुराई या कुशाग्रता। दे न्यू दैट द वियर एंड टीयर ऑफ ओवरकमिंग द मंडे फीलिंग ऑफ द ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर ऑडियंस वुड एग्जॉस्ट देम बिफोर देयर मैग्नेटिज्म बिगेन टू हैव प्ले। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जो स्पीकर है, भाषण देने वाला है, उसकी बातों का जादुई असर लिसनर पर होगा, इससे पहले वो सोमवार की जो ओवरकमिंग फीलिंग है
मतलब उत्तेजित हुई भावना को काबू करने में ही थक जाएंगे। While a similarly stubborn difficulty would confront them in the remaining portion sunk in apathy by the thought that tomorrow would be Tuesday। तो ऑथर क्या कहता है कि जो कुछ लोग हैं ना वो तो सोमवार को उत्तेजित हुई भावना को काबू करने में थक जाएंगे, है ना, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं ना वो इस एपेथी या दुख या उदासीनता में होंगे कि कल के दिन मंगलवार है, जिसको उसने डल और एब्सोल्यूट नथिंग बोला है। अब कुछ क्वालिटीज देख लेते हैं ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे जो है वो एसेंशियल फ्लैटनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब कि जो मंगलवार है वो अस्तित्वहीन और नीरस है। वेरी डिफिकल्ट टू स्पेल, इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। इसे इवनिंग ग्लिटरिंग स्टार इज द ब्राइटेस्ट, मतलब कि सांझ का चमकता हुआ तारा भी बोला गया है। अब देखते हैं वेडनेसडे की क्वालिटी। तो वेडनेसडे को बोला है स्टिरिंग डे, ये थोड़ा हलचल वाला दिन है। विथ वेडनेसडे द वीक स्टर्स इटसेल्फ बिगेन टू वॉक, थिंग्स एडवेंचर्स माइट हैपन वेरी नेचुरली ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन तक सप्ताह में गति या हलचल आ चुकी होती है और यह दिन परफेक्ट होता है किसी भी नई चीज को शुरू करने के लिए। एडवेंचर हो या कोई थिंग हो, चीज हो, खोज हो, ये चीज जो है वेडनेसडे को नेचुरली हो जाती हैं। इन समर वेडनेसडे इज वेरी इंपॉर्टेंट एट लॉर्ड्स वेयर क्रिकेट इज प्लेड, वेडनेसडे इज वेरी काल्म। समर्स के डे में ये दिन और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशल हो जाता है, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पर क्रिकेट खेला जाता है और ये जो वेडनेसडे है ये बड़ा ही काल्म होता है। इट इज़ ए डे ऑन विच वी कैन मीट अवर फ्रेंड्स एट अवर होम, दे श्योर टू बी फाउंड एट होम। इस दिन हम हमारे फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसी संभावना है कि वो हमें उनके घर पर ही मिलेंगे। वेडनेसडे इज स्टिरिंग डे, तो इस तरीके से वेडनेसडे जो है वो हलचल वाला दिन है। इवन पॉलिटिशियंस सो स्लो एज ए रूल टू रिकॉग्नाइज द काइंडलियर मोर जेनरस साइड ऑफ लाइफ रियलाइज्ड फॉर मेनी इयर्स दैट वेडनेसडे वाज ए डे ऑन विच दे हैड नो राइट टू कंडक्ट देयर एक्रीमोनियस बिजनेस फॉर मोर देन एन आवर और सो। तो यहाँ पर पॉलिटिशियंस के लिए बोला गया है कि जो लंबी लंबी बहस करते हैं वो भी लाइफ के काइंड एंड जेनरस साइड को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं इस दिन के दिन, मतलब वेडनेसडे के दिन, वो भी ये रियलाइज करते रहे या मानते रहे कि उन्हें अपनी एक्रीमोनियस मतलब कटु पॉलिटिकल जो बहस चल रही है उसको एक घंटे से ज़्यादा चलाने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखते हैं थर्सडे की क्वालिटीज। थर्सडे को बोला गया है द डे ऑफ रेस्ट, मतलब ये आराम का दिन है। Of the previous day, Wednesday is over and people start relaxing. तो इससे पहले क्या है, वेडनेसडे आता है और वो गुजर चुका होता है तो लोग आराम करना या रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं थर्सडे के दिन। There is nothing strong and downright and fine about Thursday. Thursday the real day of rest. तो इस दिन के बारे में कोई ऐसी स्पेशलिटी या खास बात नहीं होती है, इस दिन के बारे में कोई अच्छी विशेषता या विशेष चीज नहीं है, ये रियल डे है रेस्ट करने का। अब देखते हैं फ्राइडे की क्वालिटीज। तो फ्राइडे को बोला गया है फ्राइडे ए डे ऑफ एंटीसिपेशन, तो फ्राइडे जो एक दिन है वो है पूर्वानुमान का दिन। फ्राइडे इज परहैप्स द बेस्ट डे ऑफ द वीक फॉर वन स्पेंड्स मच ऑफ इट थिंकिंग ऑफ द मोरो एंड व्हाट गुड इट विल ब्रिंग। फ्राइडे जो है वो शायद वीक का सबसे बेस्ट दिन है, क्योंकि शुक्रवार के दिन मोस्टली हम लोग ये सोचते हैं कि नेक्स्ट दिन सैटरडे है। फ्राइडे इज ग्रेटेस्ट मेरिट इज परहैप्स दैट इट पेव्स द वे टू सैटरडे एंड द सीजेशन ऑफ वर्क। और यही फ्राइडे की ग्रेटेस्ट मेरिट या सबसे बड़ा गुण ये है कि वो हमें नेक्स्ट दिन शनिवार है ये बताता है और काम को सजेशन या रोकने का रास्ता दिखाता है। फ्राइडे इज ऑलवेज ए लकी डे, तो इस तरीके से फ्राइडे जो है वो हमेशा ही एक भाग्यशाली या लकी डे है। जैसे कि हमने वेडनेसडे और फ्राइडे के बारे में एनालिसिस कर लिया है, तो ऑथर ने कुछ क्वालिटीज इन दोनों डेज को ग्रुप करके या जोड़ के बताई है, तो वो हम देख लेते हैं। आई ग्रुप फ्राइडे विद वेडनेसडे एज ए डे दैट कैन बी फ्रेंडली टू मी बट इट हैज नॉट वेडनेसडेज क्वालिटी। ईवी ल्यूकस या ऑथर जो हैं उन्होंने फ्राइडे का वेडनेसडे के साथ ग्रुप बनाया है, क्योंकि ये एक ऐसा डे या दिन है जो फ्रेंडली तो है उसके लिए पर इसमें वेडनेसडे की क्वालिटी नहीं है। वेडनेसडे इज काल्म एश्योर्ड अर्मेंड, फ्राइडे अलाउज इट सेल्फ टू बी ए लिटिल फ्लरिड एंड एक्साइटेड।
एक तरफ जहां मैं बात करूं वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे जो है वो काल्म है, एश्योर्ड है, अर्बन है, मतलब शांत है, आश्वासित है और सौम्य है। वहीं दूसरी तरफ फ्राइडे या शुक्रवार का दिन थोड़ा सा उत्तेजित और हलचल वाला है। वेडनेसडे स्टैंड्स अलोन फ्राइडे टू सम एक्सटेंट थ्रोस इन इट्स लॉट विद सैटरडे। वेडनेसडे का डे अपने आप में अलोन या अकेला होता है, जबकि फ्राइडे में कुछ सीमा तक ये एंटिसिपेशन होता है, पूर्वानुमान होता है कि नेक्स्ट डे जो है वो शनिवार है, तो इस तरीके से उसमें शनिवार भी शामिल है। फ्राइडे इज टू बिजी, टू मैनी पेपर्स कम आउट, टू मैनी बैग्स आर पैक्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे बहुत ही बिजी डे है, इस दिन बहुत सी पत्रिकाएं या मैगजीन्स निकलती हैं और बहुत से बंडल बांधे जाते हैं। अब देखते हैं सैटरडे और संडे की क्वालिटीज। इन दोनों डेज को बोला है इनडिफाइनेबल डेज, मतलब निश्चित नहीं है इनके लिए कार्य कोई भी। फॉर मोस्ट पीपल सैटरडे इज ए कलेक्शन ऑफ आवर्स पार्ट वर्क पार्ट प्लेजर एंड ऑल रेस्टलेसनेस। मोस्टली जो लोग हैं उनके लिए जो सैटरडे है वो कलेक्शन है आवर्स का या घंटे का, आधे दिन वो लोग काम करते हैं और पूरे दिन बेचैनी वाला दिन है। इट इज़ ए डे दैट पीपल प्लान फॉर एंड देयरफॉर इट इज़ ऑफन ए फेलियर ऑन संडे ट्रेन्स फुल एंड लेट एंड शॉप्स शट टू अर्ली। यह एक ऐसा दिन है जिसके लिए हम अक्सर प्लानिंग्स बनाते हैं, लेकिन वो प्लानिंग्स जो हैं वो मोस्टली फेलियर या असफलता में बदल जाती हैं। इस दिन ट्रेन फुल होती हैं और देरी से आती हैं, शॉप जो होती हैं वो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। हेयर द एनालिस्ट फॉल्टर्स फॉर सैटरडे एंड संडे पास फ्रॉम द रेन ऑफ डिफाइनेबल डेज। यहाँ पर जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो डगमगा जाते हैं, क्योंकि ये दोनों दिन ऐसे दिन हैं जिन्हें डिफाइन नहीं किया जा सकता। मंडे एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे, दीज आर डेज विद ए कैरेक्टर फिक्स्ड मोर और लेस फॉर ऑल, बट सैटरडे एंड संडे आर व्हाट वी इंडिविजुअली मेक ऑफ देम। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये दिन ऐसे हैं कि इनका एक निश्चित कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो लास्ट डे है सैटरडे और संडे, ये ऐसे ही बन जाते हैं जैसे कोई इंडिविजुअल या व्यक्तिगत व्यक्ति इन्हें बनाना चाहता है। इन वन फैमिली दे आर फ्रेंड्स एसोसिएट्स, इन अनोदर एज इल एसोर्टेड एज सोक्रेट्स एंड जेंटपी। ये दोनों जो डेज हैं वो एक परिवार में मित्र के रूप में या सहयोगी के रूप में जुड़े हुए हो सकते हैं, और हो सकता है दूसरे परिवार में उतने ही कुवर्गित हों जितने सोक्रेट और जेंटपी हैं। सुक्रात जो है वो शांत प्रकृति का था, वहीं दूसरी ओर जो उसकी वाइफ थी जेंटपी वो झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। टू द गॉडली इट इज़ ए डे ऑफ लो टोन्स, इट्स मिनट्स गो बाय मफल, टू द चिल्ड्रन ऑफ द गॉडली इट इज़ एटर्निटी। जो लोग रिलीजन में बिलीव करते हैं उनके लिए ये जो संडे का दिन होता है वो धार्मिक गतिविधियों में जाता है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता और जो बच्चे होते हैं इस दिन बोर हो जाते हैं। टू द अनगॉडली इट इज़ ए डे जियोपर्डाइज बाय एन इंटरेस्ट इन बैरोमीटर्स दैट इज़ ऑलमोस्ट टू पॉइग्नेंट। और जो लोग रिलीजियस नहीं होते, फिजिकल आनंद लेना पसंद करते हैं, वो मौसम पर डिपेंड करते हैं। यदि रविवार को मौसम ख़राब हो जाता है तो उनका जो संडे होता है वो अच्छा नहीं बीतता। टू वन मैन इट इज़ एन इंटरप्शन ऑफ द वीक, टू अनोदर इट इज़ द वीक इटसेल्फ एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द डेज आर बट प्रिपरेशंस फॉर इट। एक व्यक्ति के लिए संडे सप्ताह में एक रुकावट या इंटरप्शन हो सकता है, तो दूसरे के लिए यह पूरा सप्ताह है और बाकी सारे दिन तो इसकी प्रिपरेशन के लिए होते हैं, क्योंकि लोग संडे के चक्कर में बहुत सारे काम पेंडिंग छोड़ देते हैं। वन कैन नॉट एनालाइज सैटरडे एंड संडे, इसलिए सैटरडे और संडे का एनालाइज या विश्लेषण नहीं किया जा सकता। संडे डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, संडे जो है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से होता है। इट इज़ ए डे ऑफ प्लेजर फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए प्लेजर या आनंद वाला दिन हो सकता है। ए बैड वेदर ऑन संडे कैन स्पॉइल द डेज प्लेजर्स, और हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए ये प्लेजर वाला दिन बिगड़ जाए अगर मौसम ख़राब हो जाए तो इस तरीके से पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि वो कैसे अपने संडे को इंजॉय करना चाहता है, कैसे यूज़ करना चाहता है। बट आई हैव डिस्कस्ड मंडे ऑलरेडी, दैट इज़ वन ऑफ इट्स प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इट इज़ ऑलवेज कमिंग राउंड अगेन प्रिटेंडिंग टू बी न्यू, इट इज़ ऑलवेज द सेम इन रियलिटी। इन लाइन्स के साथ ऐसे को ख़त्म किया गया है। एक बार फिर से हम मंडे पर लौट कर आ गए, मतलब संडे लास्ट था, इसके बाद दोबारा से मंडे आता है।
और इसका प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खास गुण यही है कि ये एक बार फिर से लौट कर आ जाता है संडे के बाद। हर बार यही लगता है, ये प्रिटेंड करता है, शो करता है, दिखावा करता है कि इस बार इसमें कुछ नया होगा, बट एक्चुअलिटी जो है वो हम सभी जानते हैं कि हमेशा एक जैसा होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं होता, व्यस्तता से भरा हुआ होता है। तो ये था ऐसे का एनालिसिस, इनसे आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर एक अच्छा सा बिग क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। और पोएट के फेवरेट डे की बात करूँ तो वो है वेडनेसडे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।